में जाएगा। एंड लंग्स आर वन पेयर लंग्स, एक पेयर लंग्स होता है। तो ये रहा पल्मोनरी आर्च, यहाँ से ये जो है होता है। एंड इट डिफरेंशिएटेड इनटू टू ब्रांचेस, ये दो भाग में डिवाइड होता है इस तरीके से। एंड ईच ब्रांचेस गोज इनटू द ईच लंग्स टू फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो इस तरीके से जो राइट वेंट्रिकल है, यहां पे ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे प्रेजेंट था, और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस पल्मोनरी आर्च के द्वारा क्या कहा गया, लंग्स में गया। तो लंग्स में यंग लंग्स जो होता है हमारा वन पेयर लंग्स होता है, यानी इस तरीके से जो था एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, तो एक से इधर और एक से इधर। तो इस तरीके से दोनों लंग्स में यहाँ से जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होने के लिए जाएंगे। तो राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्च इज गोज इनटू ईच लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। तो यहाँ से ये पल्मोनरी आर्च के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रत्येक लंग्स में इंटर करेंगे, किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। एंड आफ्टर दैट जब प्यूरिफाई हो जाएगा देन, तो यहाँ पे जो लेफ्ट ऑरिकल में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। तो ये हो गया पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी आर्च हो गया, इसी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। आर्टरी और वेन में फर्क समझाया मैंने। आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, और वेन का काम होता है कि वो प्योर ब्लड को ले करके आना, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो लंग्स में चला गया, प्यूरिफाई हो रहा है। एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन इट कम्स इन लेफ्ट ऑरिकल विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब ये चला गया, यहाँ से जाने के बाद जब ये प्यूरिफाई हो जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो पल्मोनरी वेन के द्वारा वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। एंड लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद क्या होगा, हम इसे रेड से बना रहे क्योंकि इस साइड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये यहाँ पर पल्मोनरी वेन के द्वारा जो है प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। अब लेफ्ट ऑरिकल से ये कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर हमारी आवर बॉडी एंड इट इज यूजफुल। तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे आकर के अपना स्टोर रहा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है अब इसको हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो ये सिस्टेमिक आर्च जो है उसका काम करता है हमारी बॉडी में, और ये जो प्योर ब्लड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ से इस तरीके से निकल, तो
यहाँ पे ये इस तरीके से होगा और इस तरीके से यहाँ से जो सिस्टमिक आर्च है वो इस तरह से निकला होगा एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू आवर कंप्लीट बॉडी। तो हमारे पूरे बॉडी में ये जो है ब्लड जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। अब ये तो हमने देखा कि मैमल्स के केस में, ठीक है, इन बॉड बॉड हॉट और सेम एज इट इज, जैसा कि यहाँ पे है ड्रॉ किया हुआ सेम टू सेम ऐसा ही हार्ट जो है वो बॉड में भी होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वन डिफरेंशिएशन अकर्स इन बॉड्स एंड मैमल्स, सिर्फ एक डिफरेंट है बॉड और मैमल्स के हार्ट में, दैट इज सिस्टमिक आर्च, पोजिशन ऑफ सिस्टमिक आर्च। इन मैमल्स इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड एंड इन बॉड्स इट इज प्रेजेंट एट द राइट साइड। तो दिस आर जो हार्ट का पे स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ मैमल्स है एंड इसी तरह जब बॉड में देखेंगे तो दीज आर अब्सेंट, दिस द अदर, ये इसको क्या बोले लेफ्ट सिस्टमिक आर्म, तो ये जो होगा ये अब्सेंट होगा एंड इसकी प्लेस पे जो है होगा राइट सिस्टमिक आर। तो अगर इस वाले को मिटा देते हैं तो इन केस ऑफ बॉड हो गया और ये वाला जो प्रेजेंट है तो इन केस ऑफ मैमल होता। तो इन केस ऑफ बॉड लेफ्ट सिस्टमिक आर्क्स बिकम डिजनरेट एंड रिड्यूस्ड एंड राइट सिस्टमिक आर्क आर प्रोसेस्ड प्रेजेंट, यानी कि जो बॉड का हार्ट होता है उसमें जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्क है वो डीजनरेट कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है, नॉन फंक्शनल होता है और जो राइट सिस्टमिक आर्क है वो फंक्शनल होता है और वो यहाँ प्रेजेंट होता है एट राइट साइड। और इन केस ऑफ मैमल्स इट इज प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये किस तरह से आया, देखो सबसे पहले यहाँ पे मेन क्या है ना, कॉम्परेटिव एनाटॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, चेंजेस क्या हुआ है, तो चेंजेस इसमें साइनस वेनोसस कॉम्परेटिव मर्ज विद राइट ओरिकल, ट्रंकस आर्टरियसस मॉडिफाई इनटू टू ब्रांचेस दैट इज टू आर्च, वन सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आर्च आर ये पल्मोनरी आर्च को आर्टरी भी कहते हैं, पल्मोनरी आर्च contains deoxygenated from right ventricle and carry into each lungs. तो ये पल्मोनरी आर्च का काम क्या हो गया कि राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड है इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट है उसको ये पल्मोनरी आर्च है, इस पल्मोनरी आर्च के द्वारा क्या करना है कि लंग्स में लेकर के इसको जाना है, ये है पल्मोनरी आर्च, इसको लेकर के लंग्स में जाना है एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन प्यूरिफाई होने के बाद विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वैन के द्वारा इसको लेके आना है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेके आना है लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से अब कहाँ जाना है, हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है इसलिए जो है इसके लिए सिस्टमिक आर्क होता है एंड दैट इज इन केस ऑफ मैमल्स लेफ्ट सिस्टमिक आर्क एंड इन केस ऑफ बर्ड इट इज राइट सिस्टमिक आर्क। तो इस तरीके से ये मैमल्स में इस तरीके से लेफ्ट सिस्टमिक आर्क प्रेजेंट होता है एंड इन बर्ड्स राइट सिस्टमिक आर्क प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से होता है, तो डायग्राम रफली हम लोग इस तरीके से बना देते हैं ना, देखो हर जैसा डायग्राम लगे रहा है ना। तो अब यहाँ से आने के बीच में भी कुछ वाल्व होते हैं, ठीक है, यहाँ जैसे कि ये जो जा रहा है यहाँ पे भी सेमीलुनर वाल्व इस तरीके से प्रेजेंट होता है, क्योंकि जैसे ही ये आएगा तो ये ओपन, जैसे ही इसमें इम्प्योर ब्लड आएगा ये ओपन होगा तभी तो ऊपर जाएगा, ये हो गया सेमीलुनर वाल्व। उसी तरह यहाँ पे भी होता है प्रेजेंट इस तरीके से, तो राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल जो है बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल वाल्व इज प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों कहेंगे, इस तरह से जो है तीन इसमें पिन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, इस तरीके से तीन पिन लाइक स्ट्रक्चर बना होता है।
ट्राइकस्पिड वाल एंड ये हो गया तुम्हारा बाइकस्पिड वाल, इस तरीके से बाइकस्पिड वाल। तो ये याद रखना है कि वेयर इज ट्राइकस्पिड वाल वर प्रेजेंट एंड वेयर इज बाइकस्पिड वाल वर प्रेजेंट। तो बाइकस्पिड जो वाल है आर प्रेजेंट, बाइकस्पिड वाल वर प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ट्राइकस्पिड वाल वर प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ट्राइकस्पिड वाल जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और जो बाइकस्पिड वाल्व है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमी लूनर वाल्व? ये हेयर इज सेमी लूनर वाल्व। ठीक है, क्या फंक्शन है इसका? व्हाट इज फंक्शन? ट्राइकस्पिड वाल्व का फंक्शन जो हो गया, मेनली जो भी वाल्व होते हैं इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड जो आया है वापस वहां ना चले जाए, इस चीज को रोकता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लड है, यहाँ से ब्लड यहाँ आया, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ बहुत ज्यादा अगर ब्लड हो जाए तो ये यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर से हो सकता है। यहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा हो गया तो वो यहाँ पे भी आ सकता है ब्लड। तो इसी चीज को रोकने के लिए ये वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व और सेमी लूनर वाल्व। तो यहाँ पे जैसे आ गया ब्लड तो अब ये यहाँ से यहाँ ना आए, इसके लिए ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जब यहाँ से यहाँ आना होता है तो ये ओपन हो जाता है, लेकिन जब यहाँ से अगर यहाँ जाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, यानी यहाँ जो जो आगे यहाँ पे ब्लड आ गया वो फिर वापस ना जा पाए, इस चीज को रोकता है। जैसे ही ऊपर जाना चाहिए ये क्लोज हो जाएगा। वैसे ही सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व में क्या हो रहा है कि अब यहाँ से तो ये जा रहा है लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, लेकिन हो सकता है वापस ये यहाँ आ जाए। जैसे ही इसमें गया ये क्लोज हो जाएगा ताकि ऊपर से ये नीचे ना आ। उसी तरह बाइकस्पिड का भी है कि लेफ्ट से ऑरिकल ऑक्सीडेटेड ब्लड आया और यहाँ पे आया। ठीक है, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आया अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है फिर यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में आए, लेफ्ट ऑरिकल, और जब लेफ्ट ऑरिकल भी पूरा फिलफिल हो जाए तो ये वापस जो है जाकर के लंग्स पे चले जाए, हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये वाल्व प्रेजेंट होता है, यही ये वाल्व इसको रोकता है कि यहाँ से फिर यहाँ ब्लड वापस ना जा पाए। उसी तरह फिर इधर जो है नहीं जा पाएगा, तभी ना हमारे पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई होगा, अगर कहीं भी स्टॉपेज हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इस वाल्व का जो काम है, जो फंक्शन है वाल्व का, ये है कि टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड है उसको, जो आगे आ गया है ब्लड उसको, वो फिर से वो अपने जगह पे ना चला जाए, उसी चीज को रोकने का काम करता है। तो कैसे रोकता है कि यहाँ से यहाँ ब्लड आया तो यहाँ से फिर वापस ना, यही है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड।